गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स से भरा हुआ एक वीडियो लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। सो प्लीज वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बट अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कई बार क्या होता है, अभी लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल कर रहे होंगे बिकॉज फेस्टिवल सीजन चल रहा था, तो लोगों का आना जाना था। तो ऐसे में कुछ लोगों को काफी प्रॉब्लम्स होती है कि उनका सिर दर्द होता है जब भी वो ट्रैवल करते हैं और उनको वॉमिट सा फील होता है। लाइक अगर वो डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह वाली अगर किसी भी चीज में बैठते हैं तो उनको काफी ज्यादा हाइजेनिक सा फील होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर दो ट्रिक्स बता रही हूँ। तो पहला है कि आप ना इलायची हमेशा अपने साथ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बस या गाड़ी वगैरह में करने पर ट्रैवल में थोड़ी सी वैसे बेचैनी सी फील होती है, तो आप हमेशा अपने साथ इलायची को कंज्यूम करके रखिएगा। और हमेशा या तो इलायची को आप मुंह में भी दबा के रख सकते हैं। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आप ना इसको अगर अपने फुल स्लीव का कुछ भी पहन रखा है, टॉप या शर्ट वगैरह, तो आप उसमें भी फंसा कर इसको रिस्ट के पास रख सकते हैं। अदरवाइज आपने कोई ब्रेसलेट पहना है या बैंड पहना है, वॉच वगैरह पहनी है, रिस्ट वॉच वगैरह पहनी है, तो आप उसमें भी इसको फंसा सकते हैं। आप चूड़ी वगैरह में भी फंस सकती है तो आप फंसा सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर कुछ भी नहीं पहना है तो आप ना इस दोनों इलायची को आप एक डबल साइडेड टेप ले लीजिए, कोई सी भी नॉर्मल मास्किंग टेप या सेलो टेप, आपके पास कोई सी भी टेप हो आप उसका यूज कीजिएगा। और यहाँ पर ना अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें अपने साथ हमेशा कैरी करके रखना ही चाहिए, ठीक है, जो आपको इस तरीके, क्योंकि सफर अगर हमारा खराब हो जाता है तो हमारे घूमने फिरने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर हमारा पूरा टाइम इसी चीज में ही जाता है। इससे काफी ज्यादा कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो आप रिस्ट पर इस तरीके से टेप की हेल्प से भी इसको रख सकते हैं। आपको 15-20 मिनट तक रखना है एंड आपका जो भी माइंड खराब हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको वॉमिट वॉमिट आनी भी बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो कर सकते हैं एंड जब भी आपको अच्छा फील हो तब आप इसे हटा सकते हैं। और फिर अगर 2 घंटे बाद अगर आपको फिर से वैसा फील होने लगे तो आप फिर लगा लीजिए, अदरवाइज आप पूरे सफर में भी इसको इस तरीके से लगा के रख सकते हैं, इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है। और सेकेंड आइडिया है कि अगर ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो बस आप हेड डाउन करके इस तरीके से बैठ जाइए। मैं हमेशा ये वाला ट्रिक फॉलो करती हूँ बिकॉज मुझे भी थोड़ी ज्यादा जब भी ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हूँ, 6-7 घंटे की अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे भी ये चीज़ प्रॉब्लम होती है। तो डीजल की स्मेल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, तो मैं हमेशा हेड डाउन करके बैठती हूँ। आपको 10 मिनट में ही आराम पड़ जाएगा, बट आपको ज़्यादा किसी से बातें नहीं करनी है, आपको बस हेड डाउन करके बैठना है। और ऐसा आपको 1/2 घंटे करेंगे तो आप 2-2.5 घंटे फिर आपको कुछ नहीं होगा। 2-2.5 घंटे के बाद आपको हो सकता है फिर से थोड़ी बेचैनी से फील हो एंड देन फिर से आप 15-20 मिनट के लिए हेड डाउन करके बैठ जाइए एंड देन आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और कई बार क्या होता है कि देखिए यहाँ पर हम जब कील वगैरह लगाते हैं कई बार भी टाइल्स पे या वॉल्स पे, तो ना इस तरीके से होल काफी बड़ा हो जाता है, तो ये ना बहुत ज्यादा ढीली रहती है, लूज रहती है, तुरंत निकल आती है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, आप या तो टिश्यू पेपर ले सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर में एक प्रॉब्लम रहती है कि टिश्यू पेपर ना थोड़े टाइम के बाद गल सा जाता है। तो आप ना यहाँ पर एक कोई सा भी कपड़ा ले लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा एक मसलिन क्लॉथ का पड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पर इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा मसलिन क्लॉथ का लूँगी इस तरीके से, है ना। आप चाहें तो कोई भी कपड़ा वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मसलिन क्लॉथ ये कि अच्छे से चिपक जाएगा ये, तो आप इसको गीला करके भी चिपका सकते हैं और अदरवाइज आप इसे ऐसे भी चिपका सकते हैं, ठीक है। ये अच्छे से आपको मर्ज कर देना है कील के साथ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर रोल रोल करके आपको इसको मोटा सा कर देना है। एक मतलब क्या है कि जो हमने सासी हो गई है हमारी वॉल्स या टाइल्स पर, तो बस उसको ये फिल कर देगा, फिल हो जाएगी तो वो जगह भर जाएगी, तो ये अपने आप टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगा के फिर आपको इसको इस तरीके से लगा देना है एंड किसी भी भारी ऑब्जेक्ट से आप इसको दबा दीजिए, ठोक दीजिए अच्छे से, क्योंकि ये लग जाए, ठीक है। तो ये देखिए अब कपड़े की हेल्प से पूरी जगह भर गई है ना, तो ये कितनी ज़्यादा टाइट हो गई है इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको और करूँगी और ये देखिए यहाँ पर कितनी जल्दी से टाइट हो गई है। तो बस अब आप इस पर अपनी कोई भी चीज़ को अच्छे से हैंग वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें हैंग करना है। तो मैं यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइजर को हैंग करके रखती हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से आप इजी तरीके से कील अगर ढीली है तो टाइट कर सकते हैं।
इसका नेक्स्ट टिप्स है, अगर भी आपने रिसेंटली पटाखे वगैरह जलाए होंगे तो उसके कुछ इस तरीके के बॉक्सेस खाली हो गए होंगे, स्वीट के बॉक्सेस भी कुछ खाली हो गए होंगे, तो आप उनका रीयूज कर सकते हैं अपने किचन में और एज अ ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छा सा बनाने के लिए हम इसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप कोई भी रेफरी पेपर से इसको अच्छे से कवर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि किचन ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा सा डेकोरेशन तो बनता ही है उसका। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने बस सिंपल सा इसको पूरा फोल्ड कर दिया है पेपर से, और ये देखिए इस तरीके का हमारा ये हो गया। अब आपको इसमें है ना आपकी जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे लाइटर वगैरह हो गए, नाइफ हो गया, पीलर हो गए, सीजर हो गई, माचिस वगैरह हो गई, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना हमें सब मिसिंग हो जाती हैं, है ना, इधर उधर हम रख देते हैं, तो इनके लिए आप एक ऑर्गेनाइजर सेट कर दीजिए इस तरीके से। इसके लिए बाहर से आपको कुछ नहीं लाना, घर में ही जुगाड़ कर सकते हैं आप। चूड़ी वगैरह के बॉक्सेस खाली हो जाए उनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। अब इसको रखें कहाँ वो बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास 2 बर्नर गैस है या 3 बर्नर या 4 बर्नर, तो हर गैस के बीच में ना ये सेंटर पार्ट जो होता है ना खाली रहता है, तो ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये सेंटर पार्ट हमेशा आप खाली रहता है, तो आप इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फायर का एग्जिट जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं पहुँचता है, तो आप यहाँ पर इसके नीचे के जो प्लेस होता है ना इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इस बॉक्स को जो है ना आप यहाँ पर अच्छे से अंदर इंसर्ट करके रख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो वर्टिकल में रखना चाहते हैं तो वर्टिकल में रखिए, हॉरिजेंटल स्पेस में रखना चाहते हैं तो आप हॉरिजेंटल में भी, किसी भी शेप में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसको निकालना भी बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा नीचे ही होना चाहिए, बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, है ना। आप चाहे तो इसमें एक कैप वगैरह लगा के पुल एंड पुश के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इजी करके आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से आपकी कोई भी चीज़ कभी भी मिसिंग वगैरह नहीं होगी। आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो भाई नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर देखिए मेरे ब्रा को लेकर कि हमें अपने ब्रा को लॉक करके क्यों रखना चाहिए, तो ये भी बहुत अच्छा मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ। देखिए जब भी हम अपने बाहर जाते हैं तो अपनी जो भी अलमीरा वगैरह है, गोदरेज कवर्स वगैरह को लॉक करते हैं, ठीक है, और चाबी को ना हमेशा क्या करते हैं, या हम अपने डोर वगैरह पे लॉक लगाते हैं, चाहे वो ताला वाला लॉक लगाएं, एंटी लॉक लगाएं, कोई सा भी लॉक लगाते हैं, देन फिर क्या होता है ना कई ऐसी जगह पर हम जाते हैं कि जहाँ पर हम मतलब पर्स वगैरह लेकर नहीं जाते, वैसे हम चलो पर्स लेकर जा रहे हैं तो चाबी वगैरह जो होती है ना हम अपने पर्स वगैरह में रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं हमें पास में ही जाना हो, बहुत से ऐसे पास में ही काम होते हैं जहाँ पर हम पर्स वगैरह लेके नहीं जाते। मैं तो ऐसी बहुत सी जगह होती है जहाँ पर्स और फ़ोन दोनों ही लेके नहीं जाती, बिकॉज मुझे फ़ोन छोड़ने की ज़्यादा आदत है, तो मैं फ़ोन ज़्यादा अपने साथ नहीं रखती हूँ, मतलब इसी तरीके से। तो ऐसी तो अब चाबी वगैरह तो नहीं छोड़ के जा सकते, तो चाबी वगैरह हम कहाँ के जाए, और फिर हाथ में पकड़े रहेंगे तो खोने होने का भी डर रहता है। तो आप यहाँ पर ना इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि अपनी चाबी को ना आप अपनी जो आपने अगर ब्रा वगैरह वेयर कर रखी है तो आप उसमें इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो ये लॉक लगा होता है ना, तो आप इसमें इस तरीके से नॉर्मली ऐसे खोल के इसको इस तरीके से फंसा दीजिए बस, और ये आपकी कहीं पर भी मिसिंग नहीं होगी एंड आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं प्रॉब्लम होगी। इसको साइड से कॉर्नर से ये हो जाती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर निकालना भी बहुत ईजी है, देखिए ये लॉक होता है ना, बस आपको इसको इस तरीके से खिसकाना है ऊपर और ये निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिंपली किसी भी सेफ्टी पिन वगैरह की हेल्प से भी इसको टक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी वाली पिन मुझे मिली, आप छोटी वाली पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो ऊपर का कॉर्नर होता है ना, बस यहाँ पर आपको इस तरीके से पिन को इंसर्ट कर देना है, और छोटी वाली पिन लेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिन की हेल्प से इसको कर दीजिए। अभी हमने सेंटर पार्ट पे लगाई है ना, तो जब हमारी फिटिंग की होती है ना तो ये साइड से आपकी बनी रहेगी, इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपकी चाबी मिसिंग भी नहीं होगी। तो आप कहेंगे कि हम डायरेक्टली भी ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन खोने के चांसेस होते हैं, तो और चाबी वगैरह खो गई तो हमारा सब कुछ ही खो जाएगा, तो इसलिए हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है। और तो चाबी वगैरह को आप इस तरीके से अपने ब्रा में स्टक करके रख सकते हैं, जिससे कि वो मिसिंग वगैरह ना हो। तो गाइस ये थे मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स, आई होप कि आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप मेरे वीडियोस को ऐसे इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।